मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सूत्र एकेडमी में, एकेडमी जिसका स्लोगन है सूत्र टू मेक एजुकेशन इजी। और दोस्तों, मैं वादा करता हूं कि एक दिन मैं हर किसी के दिमाग से शिक्षा का डर खत्म कर दूंगा, और इसके लिए मुझे चाहिए आप सभी का सपोर्ट। तो इसी तरह से आप मेरा वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, फिर हमने पढ़ा टेंसेस और उसके डिविजन्स यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में। मेरे वे दोस्त जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और उन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, उन्हें ना तो परेशान होने की ज़रूरत है और ना ही इन टॉपिक्स को कहीं और खोजने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं हर टॉपिक के लिंक्स शेयर कर रहा हूँ। यू जस्ट नीड टू क्लिक एंड एन्जॉय इट। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हमारा आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। आपके स्कूल का एग्जाम हो या कॉलेज का एग्जाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पर कंडीशनल सेंटेंसेस के 3 से 5 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम कंडीशनल सेंटेंसेस में स्पेशली 3 चीजों का ध्यान रखेंगे। पहला, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तीसरा, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। दो कोई भी अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ करके उस पर कोई कंडीशन यानी कि कोई शर्त अप्लाई की जाती है और वो सेंटेंस को छोटा करती है, उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के स्पेशली 2 पार्ट होते हैं, उसमें एक डिपेंडेंट क्लाउज होता है और दूसरा इनडिपेंडेंट क्लाउज होता है। दोस्तों, ये टर्म्स ज़्यादा टिपिकल ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आइए ये देखें एग्जांपल क्या है। आप इस सेंटेंस को पढ़ें, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, मैं इसको 2 भाग में अलग कर देता हूँ। एक है इफ यू वर्क हार्ड और जो सेकेंड पार्ट है वो है यू विल पास। इसका मतलब है अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब इसमें हमारे को देखना यह है कि कौन सा इंडिपेंडेंट क्लाउज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लाउज है। तो दोस्तों, डिपेंडेंट क्लाउज वो होता है जो किसी दूसरे पर निर्भर रहे, और इंडिपेंडेंट क्लाउज वो क्लाउज होते हैं जो किसी पर निर्भर ना हो, वो अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। अब अगर हम देखें पहला पार्ट, इफ यू वर्क हार्ड, हम बाकी का सेंटेंस भूल जाते हैं, हम सिर्फ इतना ही बोलते हैं इफ यू वर्क हार्ड, तो क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? ये बिल्कुल कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि अगर तुम मेहनत करते हो तो क्या, व्हाट नेक्स्ट, इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं, यू विल पास। यू विल पास को अगर हम ये हटा करके सिर्फ हम बोले यू विल पास यानी कि तुम पास हो जाओगे, तो हम सभी को यह पता है कि यह एक कंप्लीट सेंटेंस है, एक कंप्लीट क्लाउज है। इसका मतलब यहां पर ये वाला जो हमारा क्लाउज है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा, और ये वाला जो क्लाउज है वो आपका डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। और ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 क्लाउज मिलकर के एक कंडीशन को कंप्लीट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में जानने के बाद अब मैं चाहता हूं कि आप वो सारे पार्ट्स को भी समझें जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंडर आते हैं। वैसे तो कंडीशनल सेंटेंसेस में काफी सारे तरह के कंडीशंस, काफी सारे तरह के सेंटेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पूछे जाने वाले जो सवाल हैं वो हैं 10 टॉपिक पर, और वो 10 टॉपिक मैंने यहाँ पर एक पेड़ की सहायता से समझाने की कोशिश की है, और जो पेड़ के फल हैं वो कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट्स हैं। मैं एक एक बार आप लोगों के लिए कंडीशनल सेंटेंसेस के सारे पार्ट्स को पढ़ देता हूँ। यहाँ देखते हैं, सो लॉन्ग। सो लॉन्ग सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी आ सकता है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। अगला है इफ। इफ क्लाउज हमने यहां पर देख लिया है पहले ही, ये सेंटेंस जो है आपका वो इफ पैटर्न पर डिपेंड करता है। इसका मतलब कि कुछ इसका सेंटेंस कुछ इस किस्म से बनने वाला है। अगला अंटिल एंड अनलेस। अंटिल एंड अनलेस ज्यादातर इकट्ठे ही यूज होते हैं एक ही सेंटेंस में,
और आप इसको अलग अलग भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर भी है और उस अंतर को आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी करने वाले हैं। अगला है प्रोवाइडेड, फिर इसके बाद में आता है इन केस। इन केस भी आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लगा सकते हो और मिडिल में भी लगा सकते हो, हम एग्जांपल्स में करेंगे। बट फॉर, सपोज, नीदर नॉर, इधर और, या तो सेंटेंस में हम लोग नीदर नॉर यूज करते हैं और या तो इधर और यूज करते हैं, यानी ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, लेकिन मैंने इसको एक साथ ग्रुपिंग की है। अगला वाला हमारा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो सेंटेंस के दो भाग होते हैं, यानी कि एक ये वाला क्लाउज हो गया, एक वो वाला क्लाउज हो गया, तो ये पार्ट एक क्लाउज में यूज होता है और सेकंड वाला पार्ट दूसरे में यूज होता है, ताकि वो सेंटेंस को कंप्लीट बना सके, उसके मीनिंग को कंप्लीट बना सके। उसी तरह से एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, तो एक पार्ट को टू कंप्लीट करता है और दूसरे पार्ट को TO2 कंप्लीट करता है। अब हम ये जो 10 के 10 पार्ट्स हैं, फटाफट इसको एक एक करके खत्म करते हैं। तो हम अपना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इफ पैटर्न। तो आइए हम समझते हैं इफ पैटर्न के सेंटेंसेस को। दोस्तों, इफ पैटर्न में जो सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस को इमेजिनरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कंडीशन रखता है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं, अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं तुम होता तो ऐसा करता, कुछ इस किस्म से। लेकिन अगर होता तो है तो नहीं, इसलिए ये इमेजिनरी सेंटेंस है, रियल सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं है। इसको हम समझेंगे फॉर्मूले और एग्जाम्पल के थ्रू। आपको मैं सिर्फ फॉर्मूला समझाऊंगा, ना तो आपको ये फॉर्मूला कहीं लिखना है और ना ही इसको याद करना है, बस मैं ये समझाने के लिए सेंटेंसेस को मैंने फॉर्मूले का यूज किया है। यहाँ पे फॉर्मूला कहता है कि पहला जो उसका हाफ है वो इफ पैटर्न के साथ अगर है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, भले वो ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, आई हो, यू हो, कुछ भी हो, हम उसके साथ वर लगाएंगे और फिर उसका कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जो सेकेंड हाफ है उसमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और वुड या कुड में से ही एक चीज कोई यूज होगी, तीसरी कोई चीज आप यूज नहीं करेंगे। और वुड और कुड के साथ हमेशा आपको याद रखना है कि सारे के सारे जो मॉडल्स हैं, हमने मॉडल्स किए थे और जितने भी मॉडल्स हैं उसके साथ में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग सकती है। अगर उसके बीच में वुड और कुड के साथ, यानी कोई भी हेल्प, कोई भी आपका मॉडल है उसके बाद में कोई वर्ब है, इन दोनों के बीच में अगर आपका हैव लगा है, बी लगा है या कुछ और लगा है ऐसा, तो हम उसका थर्ड फॉर्म बना सकते हैं वर्ब का। अदरवाइज हम डायरेक्टली अगर मॉडल्स के बाद कोई वर्ब लेते हैं तो वो आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। यहां देखिए वुड और कुड हमने यूज किया, बीच में कोई हैव, हैज, हैड कुछ भी नहीं है और हम यहां पर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और फिर इसका ऑब्जेक्ट। दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं, इफ दे वर बर्ड्स, सेंटेंस ठीक कर लेते हैं यहां पे। इफ दे वर बर्ड्स दे वुड फ्लाई टू जेनिथ, टू द जेनिथ। इसका मतलब है कि अगर वे पक्षी होते, अब देखिए यहां पर, यहां दे लगा है, सब्जेक्ट कोई भी हो, मैंने कहा था आपको वर्ब लगाना है और सेकंड हाफ में आपके पास वुड या कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड और कुड कहां कहां लगेगा ये भी हम समझ लेते हैं। वुड हम तब लगाते हैं जब हमें ऐसे कहना हो कि अगर हम पक्षी होते तो हम उड़ जाते, उड़ते या करते, और जो कुड होता है वो कैन से बनता है तो वो सकता उसका मीनिंग होता है, तो उड़ सकते, खा सकते, पी सकते, सकने वाले चीजों में सब कुड आएगा और बाकी जगहों पर आपको वुड लगाना है। तो हमारा ये सेंटेंस बनता है इफ दे वर बर्ड्स, जो कि वो है नहीं, अगर वो पक्षी होते तो दे वुड फ्लाई टू द जेनिथ, तो वो आकाश के बहुत ऊंचाई पर जाकर के उड़ते। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा वोकैब भी मैंने यूज करने की कोशिश की है। जेनिथ एक वर्ड है, आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। हमारे आकाश का जो सबसे टॉप पॉइंट है उसे हम जेनिथ कहते हैं, और इसका अपोजिट भी एक वर्ड होता है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ NADIR, इसको हम लोग पढ़ते हैं नादिर, नादिर पढ़ते हैं हम इसे, और ये है आपका पाताल का सबसे नीचे वाला हिस्सा, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है उसे हम लोग नादिर कहते हैं, यानी ऊंचाई पर जेनिथ और नादिर बहुत ही गहराई में, बहुत ही नीचे। इसको हम लोग कई बार एडजेक्टिव बना करके भी यूज करते हैं कि वो अपने करियर के जेनिथ पर है, जेनिथ मतलब सबसे चरम सीमा पर है, बहुत ही ऊंचाई पर है वो, जैसे विराट कोहली। विराट कोहली लगातार हर 10 में से मेरे ख्याल से 5 या 6 मैच में शतक मार देता है, तो वो अपने करियर के इस टाइम जेनिथ में है। और अगर मान लो वो एक साल तक एक भी शतक ना मारे और बहुत ही कम स्कोर मार करके आउट हो जाता है, तो वो अपने करियर के नादिर में है।
ठीक है, यानी अपने करियर में वो डूबते हुए की तरफ निकल रहा है। इसी चलिए हम अपने सेंटेंसेस पे आते हैं। आपको पहला एग्जांपल समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल जो है हमारा वो मैंने ऐसे बनाया है, आई वुड रेस्टिगेट यू इफ आई वर अ प्रिंसिपल। ये मैंने सेंटेंस थोड़ा उल्टा कर दिया है, सेकंड वाला क्लाउज में पहले ले आया हूं और पहले वाला बाद में ले गया हूं, और इससे इसके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आता है। ये लिखने का मेरा रीजन ये रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से फॉर्मूला याद कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि वर्ब आएगा यहाँ पे और फिर अगले वाले पार्ट में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि ये हाफ है ना एग्जाम्स में यहाँ दे दिया जाता है और ये वाला हाफ एग्जाम्स में यहाँ दे दिया जाता है, और हम क्या करते हैं, हम इस वाले में ना वर्ब लगा देते हैं, इसमें वर्ब लगा देते हैं, और जो हमारा पहला वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वुड लगा देते हैं, यानी कि इसको फेरबदल कर देते हैं। लेकिन ये सेंटेंस आपको ये ध्यान रखना है कि इफ पैटर्न जो होगा वहीं पर वर आएगा, जो सेकंड हाफ है उसमें इफ नहीं है। ये सेकंड हाफ है वैसे, जो मैंने यहां फर्स्ट बनाया है इसमें कहीं इफ नहीं है, इसलिए इसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। और अगर आप लोग ये सेंटेंस ध्यान से देखें, आई वुड रेस्टिगेट यू इफ आई वर अ प्रिंसिपल, ये मैंने पिछले वीडियो के कॉन्टेस्ट में डाला था और मैंने कहा था कि जो सबसे पहले आंसर देगा उसे मैं एक इनटेंजिबल रिवॉर्ड दूंगा। इनटेंजिबल रिवॉर्ड का मतलब मैंने बताया था कि शाबाशी दूंगा, क्योंकि शाबाशी इनटेंजिबल है। इनटेंजिबल वो चीजें होती हैं जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ मतलब हम किसी को कोई सहानुभूति देते हैं और या हम उसको कोई शाबाशी देते हैं तो वो इनटेंजिबल में काउंट होता है, विच कैन नॉट बी टच्ड। और इसका अपोजिट वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड्स वो चीजें होती है जिसे हम होल्ड कर सकें, जैसे ये मार्कर, इस कैन बी हेल्ड, इसको हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हमारा ये टेंजिबल है। अब यहां पर देखिए, ये सेंटेंस का जो कॉन्टेस्ट था, ये कॉन्टेस्ट जीता है उमेश चंद्र ने, उन्होंने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। मैंने यहां पर ये गैप लगाया था और यहां पर भरना था कि क्या आएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर था उनका, वर आएगा। और अब तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि वर तो आएगा, और क्यों आएगा, क्योंकि ये इस कंडीशनल सेंटेंस की कंडीशन है कि हमें यहां पर वर ही लगाना है, यहां वॉज नहीं आ सकता, इज एम आर नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, यही फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है। जो हमारा थर्ड सेंटेंस है वो सेंटेंस है, इफ शी वर यू शी कुड टीच बेटर, कि अगर वो तुम होती, कहने का मतलब अगर वो तुम्हारे जगह होती तो तुमसे अच्छा पढ़ा लेती। सेम पैटर्न चल रहा है सारा, इस पे हम बार बार बात नहीं करेंगे। वर यहां पर लग गया है और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी गई है। अगला वो जो पार्ट है हमारा, यहां चलते हैं हम, राम कुड अपरूट करप्शन इफ ही वर अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि राम जो है वो करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकता अगर वो एक प्राइम मिनिस्टर होता। तो यहां पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है और इसीलिए ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इसके साथ में मैंने एक एक फॉर्मूले पे चार चार यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, और जितने भी मैं आप लोगों को पार्ट्स करवाऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस के, सब में कम से कम चार या पांच मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स दूं। लेकिन मेरी बात मानिएगा, ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। आपके पास अपने कुछ 15-20 सेंटेंसेस होने चाहिए, आपको ये खुद बनाने हैं। आप अपने डायरी उठाएं, नोटबुक उठाएं और उसमें खुद सेंटेंसेस बनाएं, और आपको जिन सेंटेंसेस पे डाउट है उन सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। दोस्तों हम अगले पार्ट में चलते हैं। पहला पार्ट हमें ये कहता है कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता या उसकी जगह होता। अगला पार्ट हमें ये कहता है अगर मेरे पास ये होता तो मैं क्या करता। तो इसका जो पैटर्न है और ये पैटर्न है, ये दोनों सेम टू सेम पैटर्न है, बस आप देखेंगे सिर्फ यहां पर हेड वर की जगह आ गया है और बाकी सारा का सारा सिस्टम जो है वो पूरा सेम टू सेम है, इसलिए हमारे को ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है इसमें भी। इफ राम हैड मनी, अगर राम के पास पैसा होता, ही वुड बाय ए कार, तो वो एक कार खरीद लेता। दोस्तों कई बार हम लोग को ऐसा सेंटेंस फ्रेम करने पड़ते हैं जब हम लोग इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, उस टाइम पर हम लोग इस सेंटेंस को दो अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं और कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस को यूज करना सीख जाएं, अपने स्पीकिंग में सीख जाएं, अपने राइटिंग में सीख जाएं, तो आपकी इंग्लिश काफी हद तक बहुत इंप्रेसिव बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये जो है फॉर्मूला पे ध्यान देंगे हम, यहां पर हेड अगर लगा है तो यहां पर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपको वो ये बता देते हैं और या तो आपको वो ये बता देते हैं, और आपको क्या करना होता है, आपको दोनों में से कोई भी जो चीज पूछी जाती है वो भरना होता है। और हम लोग कंडीशनल सेंटेंस अगर नहीं पढ़ते तो वहां पर हम गलती कर देते हैं, हम वहां पर नॉर्मल सेंटेंसेस बनाते हैं जबकि यहां पर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, शर्तें अप्लाई होती हैं, ठीक है। अगला पार्ट है हमारा, आई कुड गो ऑन ए डेट विद यू, मैं तुम्हारे साथ डेट पर जा सकता
If I had time, अगर मेरे पास टाइम होता, मैंने फिर यहाँ पर वही किया है, फिर बदल कर दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से कि दोनों पार्ट आप आगे पीछे आपकी इच्छा है, आप जैसे बोलना चाहें वैसे कर सकते हैं। हम लोग इसमें फिर ध्यान देंगे कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर आपने हैड लगाया है, हेल्पिंग मेन वर्ब है वहां पर वो। इफ शी हैड ए कार, अगर उसके पास कार होता, शी वुड ड्रॉप यू, तो वो तुम्हें ड्रॉप कर देती। इसका मतलब ये वो कंडीशंस बनते जा रही हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसके पास कार नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपना अगला एग्जाम्पल करते हैं। वी वुड फ्लाई इन द स्काई, हम आसमान में उड़ते। If we had wings, अगर हमारे पास पंख होते, लेकिन हमारे पास पंख है नहीं तो हम उड़ सकते नहीं। ठीक है, चलिए हम इस पे भी ध्यान देते हैं फॉर्मूले पे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो दो तरह के सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से हमें फ्रेम करने हैं। इसी तरह से इफ पैटर्न पे काफी सारे और भी सेंटेंसेस बनते हैं, जिसमें से मैं दो और तरह के इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस आपके पास लेकर के आया हूँ, आइए उन्हें समझते हैं। सेंटेंसेस हमारे कंडीशनल में ऐसे होते हैं जिसका मतलब होता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं वो भी हमारे इफ पैटर्न में आ जाते हैं और ये परफेक्ट टेंस में होते हैं। आप ये देखिए, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लग रहा है, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर जो फॉर्मूला है आपको हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां वुड या कुड के साथ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। इफ ही हैड पार्टिसिपेटेड ही वुड हैव वॉन द मैच, अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता तो वो मैच जीत जाता। ठीक है, अब इसमें देखने वाली बात क्या है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और यहां पे वुड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हम यहां पे हैव का यूज करेंगे। एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, वुड के साथ कुड के साथ हम लोग कभी भी यहां पे हैज या हैड नहीं लगाते हैं, वुड के साथ हम हमेशा ही हैव का यूज करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे को ये पैटर्न समझ में आ चुका है कि क्या फॉर्मूला है, यहां पर क्या लगेगा, वहां पर क्या लगेगा, लेकिन कई बार यही क्वेश्चन ऐसे घुमाए हुए आते हैं कि आपको ये वाला पार्ट दे दिया गया है जो आपको समझ में आ गया, आई वुड हैव बॉट द फ्लैट, और आपको ये ऐसे पार्ट नहीं दिया होगा कि इफ आई हैड ट्राइड, आपको ऑप्शन में ये दिया ही नहीं है कहीं, आपको ऑप्शन में ऐसे करके सेंटेंस दे देते हैं हैड आई ट्राइड, और आप फिर ये सोचते हैं कि अरे मैंने तो पढ़ा था इफ वाला पैटर्न तो है ही नहीं इसमें, तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं। तो आपको मैं आप बता देता हूं ये बात कि इस पैटर्न को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप यहां पर अगर इफ हटाना चाहें तो आप हटा सकते हैं, लेकिन इफ हटाने के बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले ले आना है। वही हमने यहाँ पे किया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, इफ हट गया और फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर सेम टू सेम वैसी की वैसी चीजें हमने रख दी हैं। ये सेंटेंस अलग अलग मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप हर तरह के सेंटेंसेस सीख सकें, समझ सकें। तो हम यहां पर ऐसे भी बना सकते थे, इफ आई हैड ट्राइड, यहां पर हम बना सकते थे हैड ही पार्टिसिपेटेड, और दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं, आप जो चाहे वो बना सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे गए हैं अगर, और ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो इसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, या तो इसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होगा, और या थर्ड वाले के अकॉर्डिंग। थर्ड वाला सेंटेंस क्या है, मैंने यहां पर थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है, इफ वी हैड वर्कड हार्ड, पहला वाला पार्ट हमारे को समझ में आ रहा है, कोई हमने यहां पर चेंज नहीं किया है। सेकेंड जो पार्ट है वो मैंने किया है, द मैच वुड हैव बीन वन बाय अस, अब यहां पर मैंने वुड लगा दिया ठीक है, हैव लगा दिया ठीक है, वन लगा दिया यहां तक भी ठीक है, अब ये बिन कहां से आ गया, ये नया चीज कहां से आ गया, ये तो फॉर्मूले में है ही नहीं, ये फॉर्मूले का पार्ट जब नहीं है तो मैंने ये बिन क्यों लगाया, ये ऐसा लगा इसलिए लगाया है मैंने दोस्तों, क्योंकि आपको समझना है कि ये जो सेकेंड हाफ है वो आपका किस वॉइस में है, क्या ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। आपको अभी तक मैंने एक्टिव वॉइस पढ़ाए हैं, पैसिव वॉइस के मैं वीडियो बहुत जल्दी रिलीज कर दूंगा, आप लोगों को वो भी समझ में आ जाएगा, आपको मैं उसमें समझाऊंगा कि ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पीछे काफी रूल है। हाँ, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये पैसिव वॉइस में अगर होता है, जो हमारे को बहुत आसानी से पता चल जाएगा जब आप रूल्स पढ़ोगे कि ये पैसिव वॉइस में होता है, तो सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है। तो आपको अब यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान में रखने वाली है, एक तो आपको फॉर्मूला समझ में आ
आ चुका है, आपको पूरे अच्छे से पता चल गया कि यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगेगा हेड के साथ, यहाँ पर वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म हम लोग लगाएंगे। लेकिन आपके क्वेश्चन सेकंड पार्ट में है ना, बीन भी यूज हो सकता है अगर वो पैसिव वॉइस में है तो, और पहला हाफ आपका ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर इफ इस पैटर्न से हटा दिया जाए तो। ठीक है, अगला हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। इफ शी हैड डांस्ड वेल शी कुड हैव टच्ड आवर हार्ट, अगर वो अच्छा डांस करती तो वो हमारा दिल जीत लेती, हमारा दिल छू लेती। ठीक है, तो अब यहां पर भी सेम फॉर्मूला है, इफ पैटर्न लगा दिया मैंने, हैड डांस लगा दिया, कुड भी लग सकता है आपको, मैं बता चुका हूं वुड या कुड, आपको फर्क पड़ता है कि आप किस सेंस में उसको यूज कर रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस हो गए, हमने तीन तरह के सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। चौथा सेंटेंस मैंने प्रेजेंट में बनाया है। इस कंडीशन में हम ऐसे यूज करते हैं, पहला प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में। इसमें ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं कि पहला प्रेजेंट में हो और दूसरा भी प्रेजेंट में हो, वो कंटेक्स्ट अलग अलग होते हैं। मैं इन चार तरह के सेंटेंसेस में ही आज बात करूंगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। पहला पार्ट है इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो ही विल पास, वो पास हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस लगा रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हटा दूं, यहाँ पर मैं दे लगा दूं, तो उसमें एस ई एस नहीं लगता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। सेकेंड जो है हमारा, आई विल स्टे विद यू इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं तुम्हारे साथ ही रुकने वाला हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या किया, जो पहला हाफ था उसको आगे दूसरी तरफ ले गया इफ पैटर्न को, और जो दूसरा हाफ था वो पहले ले गया। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि इफ पैटर्न के साथ जो फॉर्मूला है वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, भले आप उसको स्टार्टिंग में रखें या एंड में। ठीक है, अगला पार्ट हम देखते हैं, इफ दे लाइक यू यू विल गेट ए चांस, अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हें चांस मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा। इफ डॉग सीज यू, अगर कुत्ता तुम्हें देखता है इट विल हर्ट यू, तो वो तुम्हें परेशान कर सकता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो इफ पैटर्न पे पूछे जाते हैं। दोस्तों हमारा जो अगला पैटर्न है वो है टू टी डबल ओ एंड देन टू टी ओ, फर्स्ट हाफ में हम टू यूज करते हैं, सेकंड में टू। आइए समझते हैं कैसे। डबल टू का सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस माना जाता है जिसमें हम लोग नॉट का यूज भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं आप, टू का मतलब तो जानते ही हैं, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, और एक वेरी भी होता है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, लेकिन कंटेक्स्ट में इसका मतलब नेगेटिव माना जाता है और इसका पॉजिटिव माना जाता है। इसको मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको बताता हूं। अगर मैं कहता हूं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इसका मतलब आप बहुत समझदार हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि यू आर टू इंटेलिजेंट, इसका मतलब है आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही जब हम कहते हैं किसी को तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस फ्रेम करता है। इसी से हम लोग ये एग्जांपल समझ लेंगे, द कॉफी इज टू हॉट टू टेक, कि कॉफी बहुत ज्यादा गर्म है पी नहीं जा सकती। अगर हम कंडीशनल सेंटेंस ना देखें तो हम बोलेंगे द कॉफी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट टेक इट। हमने दो सेंटेंस बनाए और हमने यहां पर क्या किया, उन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ मिला लिया, यही कंडीशनल सेंटेंसेस का काम होता है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से या तो ये टू और या तो ये टू ब्लैंक में होता है जिसे आपको फिल करना होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो टू है जिसमें डबल ओ है वो एक एडजेक्टिव से पहले आता है, और सिंगल ओ वाला जो टू है वो एक वर्ब से पहले आता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, हिज फादर इज टू ओल्ड टू ज्वाइन द पार्टी, यानी कि उसके पिताजी कुछ ज्यादा ही बूढ़े हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए। आप सभी को पता है हम अगर यंग लोगों की अगर कोई पार्टी हो तो उसमें हम किसी बूढ़े को अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि हम उस पार्टी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर कोई हमारे ही एज ग्रुप का वहां पर ना हो तो। इसीलिए यहां पर उसके पिताश्री को पार्टी में आने की अलाउंस नहीं दी जा रही है। अगला सेंटेंस है, शी इज टू यंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो बहुत छोटी है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, यानी वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकती। यहां पर भी आप देख सकते हैं डबल टू किसके साथ आ रहा है, और जो डबल ओ वाला टू किसके साथ आ रहा है, और सिंगल ओ वाला टू किसके साथ आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, राम इज टू इनोसेंट टू बी ब्लेम्ड, यानी कि राम आप बहुत ज्यादा शरीफ है, बहुत वो निर्दोष है, उस पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। तो ये सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंसेस और पॉजिटिव दोनों का पार्ट बनती है जिसमें हम लोग नॉट का यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। आपको फिर बताता हूं, आपको ये ध्यान रखना है डबल ओ वाला टू एडजेक्टिव के साथ और सिंगल ओ वाला टू
आपका वर्ब के साथ आता है। यहाँ पर वर्ब की टू के साथ हमेशा हम लोग टू प्लस इन्फिनिटिव बनता है, यानी टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे हमेशा, दूसरा कोई फॉर्म नहीं लगता उसके साथ में। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे हमने यहाँ पर वर्ब में क्या यूज किया है, ब्लेम्ड, यानी कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं हम लोग। और थर्ड फॉर्म हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके साथ में एक बी हेल्पिंग वर्ब लगा दिया है, तभी हम कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर नहीं कर सकते। तो हमने इस तरह से अपना टू टू का पैटर्न यानी डबल टू का पैटर्न कंप्लीट किया है। अगला जो पैटर्न है वो है सो लॉन्ग। सो लॉन्ग का मतलब होता है जब तक, बहुत सिंपल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपली हम लोग इसको करने जा रहे हैं। आई कैन गिव यू माई कार सो लॉन्ग यू केयर दैट, आप देख सकते हैं इसमें कोई कॉमा नहीं है, पहली चीज ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें अपनी कार दे सकता हूं जब तक तुम उसकी केयर करो, यानी जब तक तुम केयर करोगे मेरी कार रखो। सो लॉन्ग शी इज हियर यू नीड हर, यहां पर भी मैंने कोई कॉमा नहीं लगाया है, और सो लॉन्ग को मैंने यहां स्टार्टिंग में लगाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये भी ग्रामेटिकली सही है और ऊपर वाला भी ग्रामेटिकली सही है। सो लॉन्ग शी इज हियर यू नीड हर, वो तब तक यहां पर है जब तक तुम्हें उसकी मदद चाहिए। अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है दे कांट हेल्प यू सो लॉन्ग यू फील सॉरी, वो तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेंगे जब तक तुम सॉरी फील ना कर दो। अगला पार्ट है राम विल स्टे विद अस सो लॉन्ग माय पेरेंट्स अलाउ, राम हमारे साथ ही रहेगा जब तक मेरे पेरेंट्स उसको अलाउ करते हैं। तो आप देखिए सो लॉन्ग का मतलब हर जगह क्या आ रहा है, जब तक, ये आप जहां पर ये नोट करेंगे वहां पर आप उसको हिंदी में लिख लें ताकि आपको ये हमेशा याद करने में आसानी रहे। तो इस तरह से हमने अपने तीन पैटर्न अभी तक कर लिए हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने चौथे पैटर्न की तरफ, अनटिल एंड अनलेस, यानी कि जब तक। ये जितना सुनने में टफ लगता है उतना ही आसान है, बस हमारे को फर्क ये पड़ता है कि कहां पर अनटिल यूज करें, कहां पर अनलेस यूज करें, और कहां पर अनटिल एंड अनलेस यूज करें, दोनों ही। तो देखिए हम इसमें कुछ एग्जांपल्स करेंगे और इसके डिफरेंस को भी समझेंगे कि क्या डिफरेंस है, और फिर हमारे को सेंटेंस फ्रेम करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। टुगेदर, टुगेदर का मतलब है अनटिल एंड अनलेस दोनों आप एक साथ लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी कंटेक्स्ट में इन दोनों को एक साथ लगा सकते हैं बिना किसी इशू के। पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है यू वोंट पास अनटिल एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत ना करो तब तक तुम पास नहीं होगे। माई मदर वोंट अलाउ मी टू गो टू प्ले अनटिल एंड अनलेस आई कंप्लीट माई होमवर्क, जब तक मैं अपना होमवर्क ना कंप्लीट कर लूं तब तक मेरी मदर मुझे खेलने के लिए जाने नहीं देगी। ये तो हो गया सेंटेंस ऐसे जहां पर हम ये दोनों इकट्ठे यूज करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक पैटर्न पर कम से कम 10-10, 15-15 सेंटेंसेस अपने खुद के बनाएं और अलग अलग तरह से उसको बनाने की कोशिश करें, फ्रेम करें सेंटेंसेस, ताकि अगर कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो उसको समझ सकें, या आपको कहां पे प्रॉब्लम आए आप वही क्वेश्चन पूछें। अगला इसका हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस कि अगर ये दोनों का मतलब जब तक है तो इसमें सेंटेंस में कहां अलग अलग यूज होगा, कौन से ऐसे सेंटेंसेस है जहां पर हम ये बिना यूज किए अनलेस के साथ सेंटेंस बना लें, या अनलेस को ना यूज करके हम अनटिल के साथ सेंटेंस बना लें। इसको समझने के लिए दोनों टर्म्स के मीनिंग में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। अनटिल, अनटिल जो वर्ड है उसका मतलब सीधा का सीधा जो होता है वो टाइम से होता है, और अनलेस का मतलब कंडीशन से होता है, अगर हम इसको कहते हैं। अगर सेंटेंस हम लोग बनाते हैं अनलेस के साथ, मैंने पहले सेंटेंस बनाया है ही वोंट हेल्प मी अनलेस आई आस्क, यानी कि मैं अगर उसको कॉल ना करूं तो वो नहीं हेल्प करेगा। तो यहां पर मैंने जब तक वाला टर्म ना यूज करके मैंने यहां पर यूज किया है अगर, यानी कि कंडीशन मैंने लगा दी है अगर वाली, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है दे कांट कम अंटिल यू कॉल, अंटिल में सिंगल एल आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दे कांट कम अंटिल यू कॉल, जब तक तुम कॉल ना करो, यानी ये टाइम से रिलेटेड है कि जिस समय तक तुम कॉल नहीं करते उस समय से पहले वो नहीं आ सकता, ठीक है। तो जब कभी भी टाइम का रिलेशन आएगा तो आप अंटिल करेंगे, और कंडीशन की बात आएगी तो अनलेस करेंगे। और हम जिस सेंटेंस में ये दोनों यूज कर रहे हैं आप ये समझ सकते हैं कि हम दोनों ही की बात कर रहे हैं, कंडीशन की भी और टाइम की भी। तो दोस्तों इस तरह से हमने कंप्लीट किया अपने चार तरह के अलग अलग पार्ट्स कंडीशनल सेंटेंसेस के, और बाकी के जो 6 पार्ट्स हैं उसे मैं अपने अगले वीडियो में डालूंगा। उसका रीजन ये है कि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि आप बोरियत के साथ मेरा वीडियो देखें। आप जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो बहुत एनर्जेटिक रहे, हाँ, लेकिन अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अब हम उन क्वेश्चंस पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे से अक्सर
एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हमें कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स। दोस्तों मैंने सिर्फ यहाँ पर 7 एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, जिसको करने में हम सिर्फ 1 मिनट लगाने वाले हैं। आइए फटाफट से देखते हैं क्या है। इट कुडंट फ्लाई इफ इट डैश एन एलिफेंट। हमको इसकी हिंदी बना लेते हैं हम। अगर वो हाथी होता या होती तो वो उड़ नहीं सकती। तो हमें ये पता है कि हम ये इमेजिनरी सेंटेंस है जिसमें वो हाथी है नहीं, पर अगर होती तो होती के लिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो भी हो इफ पैटर्न में हम यहाँ पर वर लगाते हैं, दूसरा यहाँ पर कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ पर वर लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, हैव लग सकता है, हैज लग सकता है, हैड लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। तो आप इट हैड एन एलिफेंट, उसके पास हाथी होता, ऐसा कुछ सेंटेंस मजा सा नहीं आएगा और वो ना तो उसका सेंस बनेगा। नेक्स्ट, इफ शी डैश ए सिंगर शी डैश सिंग। इसका मतलब है कि अगर वो सिंगर होती तो वो गाना गाती। अब वो जो भी सेंटेंस है हमारा, वो सिंगर है नहीं, ये भी इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस में मैंने आपको बताया है हम वर लगाते। अगर वो सिंगर होती तो वो गाना गाती, और मैंने बताया था जब कभी भी पहले वाले इफ पैटर्न में वर लगा हो तो यहाँ पर हम लोग वुड या कुड का यूज करते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में वुड है तो आप वुड यूज कर लीजिए, अगर आपके ऑप्शन में कुड है तो आप कुड यूज कर लीजिए। और ऐसा बहुत कम होता है कि ऑप्शन में दोनों ही चीज दिए हों। अगर ऐसा आ गया कि आपके ऑप्शन में दोनों ही हो अलग अलग पॉइंट पे, तो आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं। आप वहां पर दोनों कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही राइट आंसर हैं, या आप कोई एक भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, डैश ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव सक्सीडेड। मतलब कि अगर वो मेहनत करता तो वो सक्सीड हो जाता, वो अपना काम कर लेता, कहने का मतलब। अब यहां पर जो पार्ट है, हम पहला पार्ट से तो थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो पा रहा कि यहाँ पर क्या लगाना है हमारे को, एक ही वर्ड लगाना है क्या आएगा। तो हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। जो सेकंड पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है। यहाँ पर वुड लग रहा है, यहाँ पे हैव लग रहा है, यहाँ पर सक्सीडेड लग रहा है। तो ये जब कभी भी होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, इफ ही हैड वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर इफ भी लगा दूं, हैड भी लगा दूं, दो चीज नहीं लगेगी। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, दो सेंटेंस बताए थे अलग अलग, जिसमें एक तो मैं बताऊं इफ ही हैड वर्कड हार्ड, और अगर वो हमारे पास पार्ट नहीं है क्वेश्चन में या ऑप्शन में, तो हम यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं जिसमें हमने क्या किया था, हैड हम लोग पहले लेकर के आ गए थे और इफ जो था उसमें से हट गया था। तो ऐसे भी सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इफ आई डैश मनी आई वुड बाय ए कार। यहाँ पे वुड लगा है तो यहाँ पर या तो वर आएगा और या तो हैड आएगा। ये बात हमारे को समझ में आती है, इफ आई वर मनी, अगर मैं पैसा होता, ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यहाँ पर आएगा इफ आई हैड मनी, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट है, इफ शी डैश हार्ड शी विल पास। अब यहाँ पर विल आ गया तो ये वाला टेंस जो है हमारा प्रेजेंट रहेगा, यानी कि यहाँ पर क्या भर सकते हैं कि इफ शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पर क्या आएगा, वर्क्स आएगा। और गलती से कोई भी यहाँ पर ना वर्क मत लगा देना, यहाँ वर्क्स आएगा क्योंकि सिंगुलर यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है। अगला जो पार्ट है हमारा, आई कांट गो विद यू अंटिल यू डोंट आस्क योर मदर। कमाल की बात है, मैंने आपका यहाँ पर आंसर ही लिख दिया है, माफ करिएगा। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें आपको एक एरर फाइंड आउट करना है। अब ये एरर क्या है, ये आप लोग एक बार देखें ध्यान से और कोशिश करें कि अगर आप बता सकते हैं तो। जिन बच्चों को आंसर समझ में आ गया है बहुत अच्छी बात है। यहां पर अंटिल है, अंटिल एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, इसमें हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये नॉट यहां से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा, आई कांट गो विद यू अंटिल यू आस्क योर मदर। जब तक तुम अपनी माँ से पूछ नहीं लेते, उसी में आ जाएगा अंटिल में ही। अंटिल में भी नॉट होता है और अनलेस में भी नॉट होता है। तो ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, शी वोंट हेल्प मी डैश आई फील सॉरी। इसमें हमको भरना है अंटिल आएगा या अनलेस आएगा या दोनों आएगा एक साथ में। तो दोस्तों यहां पर हमने कोई पॉइंट ऑफ टाइम या कुछ भी ऐसे ऑप्शन में हमने लिखा नहीं है। तो ऐसे जब कभी भी कंडीशंस बनती हैं तो इसमें आप अंटिल भी लगा सकते हैं, अनलेस भी लगा सकते हैं और दोनों एक साथ भी लगा सकते हैं। बेटर रहेगा कि आप यहां पर दोनों लगा दीजिए, अंटिल एंड अनलेस। तो मैं चाहता हूं ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक्स में, आप देख सकते हैं काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस पर। आप सारे क्वेश्चंस को देखें और करने की कोशिश करें। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आप गलत कर रहे हैं तो आपको मेरा वीडियो फिर से देखने की जरूरत है। दोस्तों मैं अब लास्ट आपसे ये बात कहना चाहता हूं,
कि मैं कोशिश करता हूँ सारे वीडियोस अपलोड करने के बाद कि मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूँ। आप कमेंट में मेरे से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले वो इंग्लिश से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से, मैं उसका आंसर आपको आपका कमेंट देखते ही जरूर दूंगा। और इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मैं अगला वीडियो जल्दी रिलीज करूंगा जो कि होगा बाकी के बचे हुए 6 कंडीशनल सेंटेंसेस पर। थैंक यू सो मच।